हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इंट्राडे के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो बहुत ही काम की है। आपको ये प्रॉफिट के साथ साथ आपको ट्रैपिंग से बचाएगी और आपको एक अच्छी ट्रेड देने में आपकी सहायता करेगी। तो सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अच्छे से काम करती है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही काम की। ठीक है, तो आपको दो दो जो कैंडल्स बनती है उनके बीच का गैप को ढूंढना है। सिर्फ 5 पॉइंट से ज्यादा का आपको जहाँ गैप दिखे दो कैंडल्स के बीच में, और अपनी स्ट्रेटेजी वहाँ एक्टिवेट हो जाएगी। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दो कैंडल्स के बीच में, जो भी जब भी दो कैंडल्स बनती है तो उनके बीच में एक या दो तीन पॉइंट का, लास्ट 3 पॉइंट का गैप होता है ज्यादातर। लेकिन अगर 5 पॉइंट से ज्यादा है, 5 पॉइंट से ज्यादा का गैप आपको दिखता है तो वहां अपनी स्ट्रेटेजी काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो गैप कैसे देखते हैं ये भी बता देते हैं। गैप ये देखो, ये होता है ओपनिंग प्राइस, कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है, ये हाई होता है, लो होती है और ये क्लोजिंग होती है। ठीक है, ये कैंडल्स की प्राइजेस बताते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ सिंपली देखना है कि इसकी तो देखनी है, जैसे इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप है तो इसकी क्लोजिंग प्राइस देखनी है और इसकी ओपनिंग प्राइस देखनी है। उन दोनों प्राइस के बीच में 5 पॉइंट ज्यादा का गैप है तो हमको पता चल जाएगा ये जो मूव है ये ट्रैपिंग मूव है, ये हेल्दी मूव नहीं है मार्केट का। ठीक है, तो यहाँ को ट्रेड नहीं लेना है। तो जो मार्केट इसको फिल करने, इस जो गैप छोड़ा है मार्केट ने, इसको फिल करने के जब रिवर्स होकर वापस आएगा तब हमें ट्रेड लेनी है। कैसे लेनी है मैं बता देता हूँ, बताऊंगा आपको। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइव मार्केट में ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पिछले पिछले एक दो दिन के मार्केट से कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने। रोज कम से कम 2 या 3 बार आपको ये थ्योरी काम करते हुए दिख जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं आप। जैसे ये दोनों कैंडल है तो इन दोनों के बीच में गैप नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बीच में 5 पॉइंट ज्यादा गैप है या नहीं। तो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 43,568। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको 43,568। और इससे नेक्स्ट वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस है 43,573। तो 573 और 568 के बीच में 5 पॉइंट से ज्यादा का गैप है, 5 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो ये जो मार्केट गैप छोड़ गया है तो तुरंत आ गया, और इसको जो गैप छोड़ा है यहाँ पे, जो गैप छोड़ा है तो इसको ऐसे गया, तुरंत रिवर्स होके इस गैप को फिल कर दिया। ठीक है, आ गया और फिल कर दिया। तो मार्केट जब भी गैप छोड़ के जाएगा तो उस गैप को फिल करने के लिए वापस रिवर्स होकर आएगा। तो जो वापस रिवर्स होकर आएगा तब हमें ट्रेड लेनी है और तब हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, देख लेते हैं कितने पॉइंट का गैप है। इसकी क्लोजिंग प्राइस है 43,561, उससे नेक्स्ट वाली की ओपनिंग प्राइस है 43,555। इन दोनों के बीच में 5 पॉइंट का, ये 5 पॉइंट ज्यादा का गैप है। ठीक, तो जब इन जो गैप छोड़ गया तो इसको मार्केट ने फिल करने के लिए, देखो थोड़ा टाइम लगाया लेकिन मार्केट ने फिल करने के लिए आ ही गया, मार्केट ने इसको फिल कर दिया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 43,157, इससे नेक्स्ट वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस है 43,150, 150 और 157 के बीच में 7 पॉइंट का गैप है। ठीक, तो ये एक ट्रैपिंग हुआ तो मार्केट ने तुरंत वो रिवर्स होकर ऊपर चला गया और इस गैप को फिल कर दिया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्केट जब भी गैप छोड़ेगा तो उसको रिवर्स होकर इसको गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगा, ये हम ऐसे यहाँ देख लेते हैं। इसी क्लोजिंग प्राइस है 43,142, इसकी ओपनिंग प्राइस है 43,148। तो 148 और 142 के बीच में 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट ज्यादा गैप है, तो ये वापस मार्केट रिवर्स होकर आ गया और ये जो गैप छोड़ा है इसको रिवर्स होकर फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमको ट्रैपिंग से बचा देती है। जब मार्केट में जब गैप छोड़ के दो कैंडल के बीच में 5 या 5 पॉइंट से ज्यादा गैप छूटा है तो हमको पता चलता है कि ये जो है मूव है, ये ट्रैपिंग मूव है, हेल्दी मूव नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं इसमें एंट्री कब लेनी है और कहाँ पे कितना SL रखना है और कहाँ पे टारगेट रखना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आया। ठीक है, डोजी बना दी, डोजी की क्लोजिंग प्राइस है 42,122। ठीक है, और इससे नेक्स्ट वाली की जो बेयरिश कैंडल है इसकी ओपनिंग प्राइस है 42,117। तो 117 और 122 इन दोनों के बीच में है 5 पॉइंट का गैप। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो डोजी है इसकी और इससे नेक्स्ट वाली जो कैंडल है इन दोनों के बीच में 5 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो आ रहा है तो ये अपने पता चलेगा कि ये है, ये जो डाउन में आ रहा है ये एक ट्रैपिंग मूव है, मार्केट का हेल्दी मूव नहीं है। मार्केट का हेल्दी मूव आपको पता होगा, मार्केट हमेशा जब हेल्दी मूव करता है तो नीचे आता है फिर कुछ देर रुकता है। ठीक है, अगर ऐसे मूव करता है मार्केट, ऐसे रुक के होल्ड कर करके मार्केट मूव करता है तो वो मार्केट का हेल्दी मूव होता है। लेकिन मार्केट ऐसे सीधे गिर रहा है, ठीक है, तो वो रिवर्स भी उतनी ही जल्दी होता है। ठीक है, वो सिर्फ ट्रैपिंग के लिए मूव आता है। ठीक है, स्टॉप लॉस खाने के लिए मूव आता है और तुरंत रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ठीक है, तो हमको सिंपली पता चल गया कि 5 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो अब इसको इसमें तो अपन को ट्रेंड नहीं लेनी है। जब वापस अब रिवर्स होगा, जब इन जो यहाँ लोगों ने इस ट्रेंड को देख के जिन लोगों ने ट्रेड बनाई होगी उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जाएगा, तब हमें ट्रेड लेनी है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको जब मार्केट गिर रहा है तो एक एक सपोर्ट में जाके तो रुकेगा मार्केट, जब मार्केट लगातार ऊपर से गिर रहा है तो एक सपोर्ट में जाके रुकेगा। तो उस सपोर्ट में अगर आपको पता होगा हैमर बनती है या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर टॉप में हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये तो सिंपली बताया आपको कि अगर ऐसे कोई पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है और हमको वहाँ पर तुरंत ट्रेड लेंगे। अगर ये भी नहीं बने तो एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपको जब मार्केट गिर रहा है, ठीक है, आपने उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे डोजी कैंडल बनी और डोजी के तुरंत बाद एक बुलिश कैंडल बनी जो कि डोजी के ऊपर क्लोज की, ठीक है, तो ये एक बुलिश साइन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो ये जैसे डोजी बनी, डोजी के ऊपर दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल ने क्लोज किया और अपन को उसमें ट्रेड और नेक्स्ट वाली कैंडल में एंट्री बना लेनी है। ठीक है, एंट्री बनाई हमने यहाँ पे, जैसे हमको चल गया कि यहाँ ये ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है मार्केट, तो उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, इसका टारगेट आपको
उतना ही लेना है जहां से मार्केट गैप छोड़ गया है, जिन कैंडलों के बीच में गैप छोड़ गया है वो इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट हो गया और ये कितनी अच्छी ट्रेड होंगी देखो। मैं ये सेम ऐसे ही जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में है और मार्केट गैप छोड़ गया है। ठीक है, मार्केट मान लो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट ज्यादा गैप छोड़ा है, जिसे मान लेते हैं कि मार्केट ने इन दोनों कैंडलों के बीच में गैप छोड़ा है। ठीक है, तो मार्केट गैप छोड़ के जा रहा है तो हमको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। जैसे ही ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल या इवनिंग स्टार पैटर्न या डोजी बनी है, डोजी के नीचे यहाँ पे ये देखो बेयरिश कैंडल बनी है जिसने डोजी के नीचे कैंडल क्लोज की। ठीक है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में हमको ट्रेड लेनी है, वहाँ से मार्केट ने गैप छोड़ के आया वो हमारा टारगेट रह जाएगा। ठीक है, ये जान लेते हैं कि मार्केट ऐसा करता क्योंकि जब मार्केट आया है तो वापस रिवर्स क्यों होता है। तो मार्केट हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पे चलता है। तो मार्केट में जब भी ऐसे डाउन मूव आता है फटाफट जल्दी जल्दी कैंडल बनती है, गैप छोड़ छोड़ के कैंडल बनती है, तो वो मार्केट हेल्दी मूव नहीं हो रहता। वो सिर्फ ट्रैपिंग के लिए जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं उनको एंट्री बना लेते हैं, वो देख के और वहां से तुरंत रिवर्स होकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। तो हमको जब भी ऐसे बीच में गैप रह रहा है 5 या 10 पॉइंट का गैप छोटे छोटे कैंडल बननी, तो हमको वहाँ पे ट्रेंड नहीं लेनी है, हमको रिवर्स का वेट करना है। जब रिवर्स होगा मार्केट तब हमको एंट्री बनानी है। जैसे हमको पता लगा यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, डोजी भी नहीं, डोजी के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज की, तुरंत दूसरी कैंडल में हमको एंट्री बनानी है, और जहाँ से मार्केट ने गैप छोड़ गया है वो हमारा टारगेट रह जाएगा और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रह जाएगा। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपको इंट्राडे में आप उसके बाद बैक टेस्ट कर लेना आपके चार्ट में, दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो ये थ्योरी काम करती है। ठीक है, 90 या 95% टाइम आपको ये प्रॉफिट करके देगी। ठीक है।